अशोक गहलोत की ओर से दिए गए बयान के बाद जलदाय मंत्री और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माफी मांगकर एक नैतिकता, आस्था और निष्ठा के उच्चतम आयामों का परिचय दिया है। जोशी ने आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्तर के किसी भी व्यक्ति ने देश में शायद पहली बार ऐसी विनम्रता की मिसाल पेश की है। यह राज्य के सभी कांग्रेसजनों का मान बढ़ाने वाला अनुकरणीय कदम है। जोशी ने कहा कि ये जो हाईकमान करेगा वह फैसला मंजूर होगा, लेकिन विधायकों की जो भावना थी वह हाईकमान तक पहुंचाए यही हम चाहते थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जरिए भी हमारी भावना हाईकमान तक पहुंची है। नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने हमको मोटिवेट नहीं किया, तो उन्होंने हमसे कहा था कि भाई आप सौ बार, लेकिन जो कुछ दिख रहा था हम लोगों को, हमें उसको बार बार दोहराना नहीं चाहता और उसको ज्यादा स्पष्ट भी नहीं करना चाहता। जो हम लोगों को दिख रहा था उस स्थिति में हमने जो किया वो नैतिक रूप से कैसा था इस पे तो विवाद हो सकता है, लेकिन हमारे समझ से व्यवहारिक रूप से ठीक था जो हमने किया। लेकिन अगर पार्टी हालाकमान इसको हमारे कदम को बरतना है, हमें जो नोटिस दिया है उस नोटिस का जवाब देने के बाद भी अगर पार्टी हालाकमान हमारे कोई कम निकालता है, हमें हमारे सजा मुकर करता है, तो हम उसकी उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं।